सो गाइस ये देखें, ये तैयारी हो रही है अब रात के खाने की। तो मियाँ जी क्या कर रहे हैं आप? अभी तो चिकन खोल रहा हूँ क्योंकि कढ़ाई खाने का मूड है, कढ़ाई खाएंगे रात में और बनाने वाला हूँ कुक आज के रात के खाने के कुक आप है। तो अभी ये चिकन देखें आप, आपके सामने कच्ची चिकन है, ये सब हम लोग वहाँ से कच्चा ही लाएं, यही बनाएंगे जो भी करेंगे पूरी रात पड़ी अपनी। ये अदरक लहसुन है, ये मसाला है, दही है, ये फ्रीज हुई हुई थी यहाँ पे भी हमने इसको ना धो के और फ्रीजर में रख दिया था ताकि यहाँ तक आते आते सेव रहे। तो अभी ये हल्की हल्की जमी हुई थी तो इन्होंने खोल लिए इसको। और अब आप क्या करने वाले हैं इसमें? अब इसमें अदरक लहसुन डालेंगे, दही डालेंगे और ये मसाले का पैकेट डालेंगे, इसको थोड़ा मिला के थोड़ी देर रख देंगे ताकि अच्छे से जो है ना जब्स हो जाए मसाला, फिर उसके बाद कढ़ाई चढ़ा देंगे, देखते रहे आप साथ में। सो गाइस जैसे कि आपको बताया था रात के खाने की तैयारी चल रही है, तो अभी प्याज काट रहा हूँ, उसके बाद टमाटर काटेंगे, फिर हरा धनिया, हरी मिर्ची, लहसुन, फिर उसके बाद चढ़ाएंगे सारी चीज़ें। सो व्यूअर्स देखिए हमारी कढ़ाई का मसाला तैयार हो गया, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी आपके सामने, टमाटर प्याज व्याज काटने के बाद मैंने इसके अंदर अभी टमाटर भुने हैं और प्याज भुनी है, उसके अलावा हरी मिर्ची अदरक लहसुन का पेस्ट मिला के इनको अच्छे से भून लिया है। और अब इसमें बारी है चिकन डालने की, तो गाइस अब डालते हैं चिकन। ये रहा तो चले भाई, चिकन 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 चिकन, और ये गया चिकन, सारा चिकन इसमें। सो गाइस मैंने चिकन डाल दी थी आपके सामने, आपको दिखाया था, चिकन डालने के बाद अभी मैंने पानी डाल दिया, अब इसको ढक देंगे, थोड़ा चिकन गल जाए तो भी उसको अच्छे से भूनते हैं और उसके बाद फिर इसको खाते हैं। तो बस थोड़ा सा टाइम रह गया, उसके बाद फिर खाने का टाइम शुरू हो जाएगा। और रात के इस वक्त 10 बज चुके होंगे और बड़ा मज़ा आ रहा है, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, हम भी इंजॉय कर रहे हैं, फैमिली भी सारी इंजॉय कर रही है, अम्मियाँ भी इंजॉय कर रही हैं और हमारी बेगम तो ज़्यादा इंजॉय कर रही है। तो गाइस खाना बन जाए तो फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। धीरे धीरे हमारी पलटन यहाँ बैठी हुई है और अब ये यहाँ पर अब चार भी स्टार्ट हो गया है क्या। सो व्यूअर्स देखें, ये मेरी कढ़ाई तैयार हो गई है, बस अभी दोबारा गर्म हो जाए क्योंकि पराठे बन रहे थे तो ठंडी हो गई, अभी थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर इसको लगाते हैं। हाँ भाई बेगम कैसी लग रही है शक्ल से? शक्ल से तो बहुत टेस्टी लग रही है, भूख भी बहुत तेज लग रही है, रात भी बहुत हो गई है, ये खाएंगे फिर कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, फिर थोड़ा चिलमस्ती हम भी अभी भी ज़रा पानी के किनारे जाके बैठेंगे थोड़ी देर, हाथ में हाथ डाल के थोड़ी बातें शातें करेंगे। ये हमारे चाचू ने कढ़ाई बनाई है तो अब वो सबको सर्व कर रहे हैं खाना। तो गाइस खाने का टाइम हो गया, खाना खाने लगे हम लोग, वहाँ पे पराठे बन रहे हैं, पराठे बना रही है वो कढ़ाई गर्म करने के बाद भी। यार ऐसे तो नहीं बोलो, अभी अभी बैठे खाने, तो व्यूअर्स सारे काम निपटाने के बाद बैठे हैं हम पानी के बीच में और इन सबको दिखाऊं ये कहाँ पर है। गाइस ये देखिए ये सब वहाँ पर है उस साइड पे, जर्मनी की है, ये सब यहाँ पर है, हम बड़े दूर आके जो है ना पानी के बीच में बैठे हैं। मैं आपको यहाँ का मंजर दिखाई, ये देखें यहाँ पे भी पानी है और ये सब पानी है, ये सब पानी है और ये बैठी है हमारी मिसेस, तो भैया मज़े आ रहे हैं। हाँ जी, बड़े सुकून लेने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। और बस गाइस ये पिकनिक का मकसद ये था कि हमारी अम्मियों का भी थोड़े दिमाग डिस्टर्ब हो गए थे कि बहुत टाइम से कहीं गई नहीं है और जाते भी नहीं है वो लोग, जाहिर सी बात है अपनी एज की वजह से उन लोग का दिल भी उन्होंने काफ़ी मार दिया अपना, तो हमने सोचा कि यार उनका भी दिल है, उनके बारे में हमें सोचना चाहिए क्योंकि माँ बाप ने हमेशा औलाद के बारे में सोचा है, तो कभी औलाद को भी माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए ये खास 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 पिकनिक हमारी अम्मियों के लिए है और भाभी भी इनकी अम्मी की जगह पर है, तो इसलिए हमने भाभी को भी रखा है साथ में क्योंकि तीनों माँ की जगह पर है, मतलब इनकी अम्मी मेरी अम्मी, मेरी अम्मी इनकी अम्मी, भाभी हमारी अम्मी। तो बस गाइस दुआ करिएगा, इंशाल्लाह हम ऐसे ही अपनों के बारे में सोचते रहें, आप लोग अगर हमारे साथ हो तो इंशाल्लाह ऐसे ही हम अपनों के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो फिलहाल अभी थोड़ी देर हम आपसे इजाज़त लेते हैं, फिर मिलते हैं किसी से। नहीं बताना हमें क्या कर तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर।
गाइस अभी हम लोगों ने चाय बनाई है आयाज ने और मैंने। मियाँ जी बन गई चाय, अब चाय बन गई है और गाइस तकरीबन रात के 3:30 बजे का टाइम हो रहा है और अभी ऊपर चलते देखे क्या हो रही है मस्तियाँ ऊपर। चलिए चाय उठाया, मैं व्लॉग बनाती भी जाऊंगी। उनका बंद कर देना, एक लाइट ऑन कर देना, कल के बंद कर दो, सूर्य वाली कर दो, गेट भी बंद कर देते हैं भाई। ऐसे चल रहा है, ऐसे पड़ी नहीं सारे, फिर ऐसे चला के बैठे हैं। ये चल रहा है यहाँ पर, ड्रामा चल रहा है भाई, ये सब ऐसे पड़ी नहीं देखे। मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है और ये देखिए सुबह सुबह का कितना प्यारा मंजर है ना। बेंच पे थोड़ी देर बैठूंगी मैं, क्योंकि घर पे सब लोग सो रहे हैं। सो व्यूअर्स, नाश्ते का सिलसिला शुरू हो गया है, तो नाश्ते में हमारे हैं पराठे, अंडे, ब्रेड और पापे विद चाय। हाँ जी, क्या कर रही हो? नाश्ता बना रहे हैं हम लोग और नाश्ते की तैयारी हो रही है। बच्चों को एक एक को दिया है, सारी अम्बियाओं को निपटाती जा रही हूँ मैं, बच्चों को भी देती जा रही हूँ। अभी हमारे जो ड्राइवर भाई हैं उनके लिए बना रही हूँ, तो पापे उन्होंने ना बोला जो दिन चाय दे दो, तो मैंने डबल रोटी भी दे दो, पापी दे दो, पराठे भी दे दो, अंडा भी दे दो, जो उनको खाना वो खा लेंगे वो खुद ही। नाश्ता हो रहा है और यहाँ पे हमारे जान भाई नाश्ता कर रहे हैं। ये मेरा नाश्ता है, अम्मी का नाश्ता है और काठान भाई का नाश्ता भी आ रहा है। तो काठान भाई आपको मज़ा आ रहा है तब? सर्दी लग रही है, काठान अभी सो के उठे, इनकी नींद पूरी नहीं हुई है ना। और हमारे अज्जू बाबा मजे से सो रहे मंड के माशाल्लाह। सो व्यूअर्स, हम लोग रेडी हो गए, नाश्ता वास्ता भी हमारा हो गया और अब हम जा रहे हैं नहाने। हमारे गैंग तैयार है सामने, वो देखिए सब रेडी है, तो चलें चलते हैं नहाने। चश्मा लगाया मैंने, मेरे मियाँ जी ने मुझे चश्मा दिलाया था, सो फाइनली मैंने चश्मा लगा लिया। और गाइज देख सकते हैं मैंने पहनी है पैंट शर्ट। अब प्लीज़ कोई ये ना बोलेगा कि आपने पैंट शर्ट क्यों पहन ली, यार मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी दिल है, पिकनिक की जगह पर तो पहन सकती हूँ ना मैं पैंट शर्ट। और यार मैं भी हूँ, इसकी सास भी, इसकी अम्मा भी है, तो उन लोगों को मसला नहीं है, तो उन लोगों को क्या मसला है? हाँ, बिला वजह लोग बातें बनाने वाले मेरे ऊपर बातें बनाने लग जाते हैं कि आपने पैंट शर्ट क्यों पहना, भाई मैं इंसान नहीं हूँ क्या? तो पिकनिक की जगह पे चलता है यार पैंट शर्ट, तो आंटियाँ पहनी हुई होती, बुढ़ियाँ पहनी हुई होती, मैं तो फिर भी अभी आ गई। सो गाइस ये देखें हमारी टीम रेडी हो गई है, हम लोग अब जा रहे हैं नहाने के लिए। सो व्यूअर्स, तो हमारा सफ़र चल रहा है और हम लोग चलते चलते पैदल देखें हमारी गैंग कैसे जा रही है। गैंग जा रही है, पूरी पूरी गैंग चल रही है। हाँ भाई, पहुँचने वालों हो रहा पानी सामने। हाँ भाई, पानी पे आ गए, पानी पे आ गए। कितना रश हो रहा है, कल तो सन्नाटा पड़ा हुआ था। है सन्नाटा पड़ा हुआ था कल, कल सन्नाटा था, कल शाम में थे ना हम लोग, आज दिन में। काठन भाई किधर आ गए? कली झील, कली झील का पानी है, मजा आ रहा है आपको? तो गाइस हम लोग आ गए हैं पानी में और हम सब इंतजार कर रहे हैं कि बस अब हम जल्दी से पानी में डुबकियां मारें। तो अब हम सब पानी में डुबकियां मारेंगे तो व्लॉग कौन बनाएगा, इसलिए व्लॉग नहीं बना रहे हम, मोबाइल रख रहे हैं क्योंकि हमें नहाना ज़्यादा ज़रूरी है। हम जो करने आए हैं वो लाजमी करेंगे, व्लॉग भी बनाने आए हैं, व्लॉग भी बन गया, हम पानी में जा रहे हैं बस। लगा लो मोबाइल, धूप भी लगेगी। सो गाइस ये देखें, ये अब्बा बेटे नहा रहे हैं पानी में। हमने सोचा था आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन मैं गीली नहीं हुई हूँ, मैंने बोला मैं दिखाती हूँ। ये देखे ट्यूब में लगे हुए दोनों, तीनों अब्बा बैठे। और एक और चीज़ आपको दिखाते हैं, ये देखें ये दोनों बैठी हुई है, देखें ये देखें सासू माँ भी बैठी हैं। कैसी लग रही है ना हमारी मम्मी, ने बोला हम ओल्ड लेडी लेकर आए, ओल्ड लेडीज, ओल्ड लेडीज लेकर आई ये औरत, ये ओल्ड लेडीज। तो देखिए हम यहाँ इंजॉय कर रही हैं, छोटू भी इंजॉय कर रहा है, वहाँ आयाज भी इंजॉय कर रहे हैं, हम ही रह गए खाली, अब हम जाते हैं आयाज के पास। तो
घूमने वाला व्लॉग बना लें पहले, फिर गाइस ऐसे इंजॉय करना चाहिए ना। देखिए अम्मियों के दिल से कितनी दुआएं निकल ली होंगी ना, तो बस ऐसे ही बड़ों का ख्याल रखें आप लोग भी अपने। तो गाइस ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए जरा अम्मियों को घुमा रहे हैं ये, ज्ञान काशान और अज्जू बाबा रो रहे हैं। तो ये देखिए अम्मियों को घुमाने की तैयारी हो रही है। अरे वाह। सो व्यूअर्स हम लोग बैठे हैं अभी बोर्ड में, देखें गाइस सब लोग, और अब बोर्ड चलने का इंतजार है। मैंने तो भाई सेफ्टी जैकेट सबको पहना दिए, मुझे नहीं पहनाई, कह रहा तुम डूब जाओ पहले, मुझे नहीं पहनाई। अच्छा भाई इनको भी देनी है, दो लेनी है, दो सेफ्टियाँ लेनी है, बाकी फिर चलते हुए दिखाते हैं गाइस अभी। तो गाइस ये देखिए मियाँ जी ये बैठे हुए हैं, ये अभी बहुत दूर से आए हैं, उनको बुला के लाइन में आए, इनके पास चलते हैं ज़रा। तो गाइस बड़ा मज़ा आ रहा है नहाने में, और मैं तो सुबह जब से आया हूँ पानी से निकला ही नहीं हूँ। ये लोग आना जाना कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, सबको निला रहा हूँ मैं मज़े से, एक एक करके सबको अंदर लेके जा रहा हूँ। तो बस थोड़ी देर और नहाते हैं, चलते खाने की तैयारी करते हैं, खाना वाना खाते हैं, पहले पकाना पड़ेगा वही ना, खाने की तैयारी करते हैं, तो खाना वाना खाते हैं, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके फिर घर की रवानगी है। तो अभी है बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो गाइस बने रहे साथ में, देखते रहे और बहुत सारी मजे करने वाले हैं, चलें एंजॉय करें। सो व्यूअर्स अभी छोड़ने वाली है क्लाउड की तैयारी, जैसे कि आपको बताया ना यखनी चढ़ा के हम लोग, ये यखनी तैयार है सही है, ये मैं मसाला भून के इसमें गोश्त जो यखनी में गल चुका था वो गोश्त डाला, यार गोश्त ऐसा पप्पू गला है ना, जबरदस्त गोश्त गला है कि बस यूँ हाथ से दबाओ और टूट जाए गोश्त, ऐसा गोश्त गला है। और बस मसाला भून दिया, अब इसमें यखनी डालेंगे और चावल डालेंगे और दम पे मार देंगे। सो गाइस खाना लगाया है हम लोगों ने, और अंदर नहीं लगाया हमने, देखिए हम अपना नहीं लगाया, हम बाहर बैठे हैं क्योंकि यहाँ बहुत प्यारी हवा आ रही है। आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि मुझे ज़ोर से बोलना पड़ा है क्योंकि हवा की आवाज़ बहुत तेज़ है। तो मियाँ जी क्या बोलना चाहेंगे आप? ये बोलना चाहेंगे कि बस नहा कर आए तो और तेज भूख लग रही है, चलेंगे कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है भाई। चावल की शक्ल तो दिखा दूँ, पुलाव की मैंने भी सही था ना, थोड़ा सा उसी में मेरी प्याज काली थी। ओ अब ये ना बोलना कि ताजी लग रही है, खिचड़ी लग रही है। तो गाइस हम लोग की अब जाने की तैयारी हो रही है, देखा सारा सामान पैक करके रख दिया है ना सीट के नीचे रखा है, ऐसा लग रहा है सब गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से गाड़ी आए और हम लोग जाएं। थक गए नहीं, हाँ सबसे ज्यादा हमारा ध्यान थका है क्योंकि सोया बहुत है आज, और ये इसने तो बहुत नहाया है, कितना नहाया भाई बताओ बाबा के साथ, इतना नहाया सबसे ज्यादा ही नहाया आप, इसकी शक्ल देख सकते हैं, ये शक्ल देख सकते हैं आप घर से, ये बाप बेटों की शक्ल ज्यादा खराब हुई है, इनकी नहीं हुई तो नहीं इसकी ज्यादा हुई है, और मेरी तो बहुत ही ज्यादा हुई है, मैं अपना मुंह नहीं दिखा रही चक्कर में। तो गाड़ी सामान सारा गाड़ी में जा रहे हैं, सही है ठीक है। ये देखिए उन्होंने अपना खिलौना उठा लिया जल्दी से, चल भाई सामान ले लेके जाओ जाओ। सो व्यूअर्स ये देखें आप सब जाने लग गए हैं, पर ये मैडम सो रही हैं, इनका मूड ही नहीं है जाने का, चलो भाई घर जाना है। सब ये लोग गाड़ी में आ रहे हैं।
उठो उठो। अरे उठ रही हूँ ना, हालत बुरी हो गई मेरी तो, मैं बस घर जाते ही सोऊंगी अब, बाकी सारी बुढ़िया खुश हो गई हमारे। सो व्यूअर्स, अब हम लोग जाने लगे हैं घर, हमारी गाड़ी रेडी है, सामान वामान लोड हो गया है और सारे सब लोग बैठ भी गए अंदर, तो अब चलते हैं, मिलते हैं घर पहुंच के। सो व्यूअर्स, देखा आपने व्लॉग, उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह ये व्लॉग भी पसंद आया होगा गाइस। हमारे साथ आप लोगों ने भी घूमा, बहुत इंजॉय किया होगा हमारा व्लॉग देख के, और हम लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया, सब ने इंजॉय किया, मेरी अम्मी ने, इसकी अम्मी ने, भाभी ने, बच्चों ने, हम दोनों ने, बहुत मज़ा आया और बहुत थकन भी हो गई है। अब जो सोएंगे तो पता नहीं अब उठे हम लोग। तो गाइज, मैं बार बार आपको, मैंने बोला आपको कंफर्म कर दूं कि मैं बार बार बोली कि हमारी बुढ़ियों को मज़ा आया, तो बुढ़ी मैं उन लोग को प्यार में बोल रही थी। आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि रंबा जी अपने आप को जवान समझ रही, उनको बुढ़ी तो एक जस्ट मजाक फन होता है, वो मैं उन लोग को प्यार में बोल रही थी। तो ये बात आप लोग दिमाग में रखिएगा कि मैं अपनी बुढ़ियों से बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं इसलिए उन लोग को बुढ़ी बुढ़ी कह रही थी, एक मजाक था, वरना बहुत इज्जत करती हूँ उन लोगों की। तो गाइस, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट हल्ले गुल्ले के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और गाइस मेन बात तो भूल गया, गाइस चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि हमारी नया नया वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और गाइस हम दोनों को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।